औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम ऑल व्यूअर्स टू ज़हीर इंग्लिश सीरीज। और टुडेज लेक्चर इज अ सीरीज ऑफ लेक्चर्स फ्रॉम द प्रीवियस वन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के ऊपर हमने प्रीवियस लेक्चर दिया था, उसका आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको देखने के बाद हम इस पर आ सकते हैं। तो इन शॉर्ट आई विल नॉट गो इन डिटेल, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, हम लोग जो है ना जस्ट पॉइंट पे आएंगे। स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये भी बार बार जो है ना वो व्यूअर्स और दोस्त कहते हैं कि सर आपकी वीडियो जो है वो लेंथी होती जाती है, तो मैं शॉर्टेस्ट वीडियो जो है वो डिफरेंट पार्ट्स के अंदर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये सेकेंड पार्ट है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि जो सब्जेक्ट है, जो प्रीवियस बातें हो रही हैं वो आपको लिंक के अंदर मिल जाएंगी। तो आप लोग जो है वो इसको देखें कि सब्जेक्ट जो है वो उसके बाद अगर फ्रेज या क्लॉज इस्तेमाल होती है तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होता वर्ब के ऊपर। देखिए, फ्रेज और क्लॉज क्या होती है, इसके ऊपर अलग से एक लेक्चर आएगा, उस वो भी आप देख सकते हैं। क्या भाई, इस सेंटेंस के अंदर हम देखते हैं कि ये हमारे पास एक सेंटेंस है जिसमें हमने बात की द बॉय। अब ऑन द फील्ड्स, ये एक हमारे पास जो है वो फ्रेज है, प्रेपोजिशनल फ्रेज है, ऑन द फील्ड्स। अब हालांकि ये फील्ड्स है बट ये फील्ड्स इफेक्ट नहीं करेगा इस वर्ब को, ये वर्ब प्लेज है इस बॉय की वजह से, यानी इसका फ्रेज का कोई इफेक्ट नहीं होता। ब्लैक लेदर पॉकेट बुक कंटेनिंग 500 शिलिंग्स वॉज लॉस्ट ऑन द रोड। वॉज लॉस्ट आता है क्योंकि आप ब्लैक लेदर पॉकेट बुक था। तो स्टूडेंट्स, इसी तरीके से नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाएं, अगर बात समझ नहीं आए तो दोबारा रिपीट करके सुने, बातों पे गौर करें कि जो मैं कह रहा हूं उस चीज पे फोकस करें, जो आपसे कहा जा रहा है ज्यादातर लेक्चर को सुनने पे जो है वो फोकस किया करें। इधर नीधर या आइधर नाइधर भी इसको बोला जाता है। तो आइधर ही और आई, अब देखिए कि जब आइधर नाइधर इस्तेमाल होता है, इधर नीधर इस्तेमाल होता है, तो एक सब्जेक्ट आता है फिर दूसरा सब्जेक्ट इस्तेमाल होता है, इसके बीच में और या नॉर का इस्तेमाल किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये देखें कि अगर हम इसमें और या नॉर का यूज करते हैं तो एक बात याद रखें कि इधर नीधर के बाद एक सब्जेक्ट आता है, नॉर या और आता है, उसके बाद जो सब्जेक्ट आएगा ना, आफ्टर यानी सेकेंड सब्जेक्ट जो है, हम सेकेंड इसलिए मैं नहीं कहता कि बाद का हम लोग जो ना वो सही मानी में ये होता है कि जो क्लोजेस्ट सब्जेक्ट होता है वर्ब के, इसके मुताबिक वर्ब आएगा। देखें, इधर ही और हिज फ्रेंड्स, या वो या उसके दोस्त, तो यहां पे आर थीफ मैं लिखूंगा, यानी अब क्योंकि वो या उसके दोस्त चोर हैं, यानी हम लोगों ने जो बात की है वो इस टॉपिक के ऊपर है कि या तो वो चोर है या उसके दोस्त, वो जो है वो थीव्स हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमने देखा कि किस तरीके से सब्जेक्ट जो है हमारे पास वो सेकंड वाला जो है वो वर्ब के लिए डिसाइड करता है, यानी क्लोजेस्ट ऑफ द वर्ब। अब इसी तरीके से जब भी नाउन और वर्ब के बीच में, नाउन और वर्ब के बीच में जो है विच, हु या दैट का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब देखें, एक सेंटेंस होता है जी, इट इज आई, ये मैं हूं, हु इज टू ब्लेम, तो ये सेंटेंस गलत है। आप देखें कि यहां पे इट इज आई था, तो आई के बाद जो है वो आई के लिए क्या आता है, एम, तो यहां पे क्या आना है, एम। इसका मतलब है विच, हु और दैट के बाद जो है वो जो वर्ब होता है उससे पहले वाले पाए जाने वाले नाउन या प्रोनाउन के मुताबिक इस्तेमाल होता है। तो स्टूडेंट्स, एक वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है कि वन ऑफ जो है वो एक हमारे पास, वन ऑफ के बाद दो तरीकों से सेंटेंस को इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए, ये लिखा हुआ जी वन ऑफ के बाद नाउन आ जाएगा, ये नाउन जो है वो प्लूरल होगा और इसके साथ आने वाला वर्ब सिंगुलर होगा, यानी वन ऑफ द स्टूडेंट्स इज, वन ऑफ द स्टूडेंट्स इज ब्रिलियंट,
यानी इन सब स्टूडेंट्स में से एक बच्चा है, यानी वन ऑफ द स्टूडेंट्स इज ब्रिलियंट। अगर मैं लिखूं वन ऑफ द स्टूडेंट्स के स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट जो है इज आएगा, वन ऑफ द स्टूडेंट्स इज आएगा, यहां पे स्टूडेंट्स की वजह से ये स्टूडेंट जो है वो नाउन था, ये नाउन प्लूरल हो गया, लेकिन वर्ब हमारे पास सिंगुलर आया। लेकिन अगर वन ऑफ के बाद हु इस्तेमाल हो, वन ऑफ द मैन, वन ऑफ द मैन, वन ऑफ द पीपल, तो हु आ जाएगा, तो वर्ब जो है वो प्लूरल हो जाएगा। यानी वन ऑफ, ही इज वन ऑफ द राइटर्स, ठीक है, ही इज वन ऑफ द राइटर्स या वन ऑफ द राइटर्स, तो इज आएगा या आर आएगा, वन ऑफ द राइटर्स, वन ऑफ द राइटर्स इज वन ऑफ द राइटर्स हु राइट्स, फिर नहीं आना हु राइट, यानी हु के बाद वो प्लूरल, अगर बीच में जो है ये हु इस्तेमाल हो जाए तो फिर हम वो को सॉरी प्लूरल करेंगे। तो स्टूडेंट्स इसी तरीके से द ओनली वन इस्तेमाल होता है, द ओनली वन, अच्छा ओनली वन के लिए तो ये समझ लेके ये है, इसके साथ वर्ब आता है सिंगुलर है, तो हु भी इसमें इस्तेमाल डेफिनेटली होता है, तो हु के इस्तेमाल के बाद जो है वो इसमें जो वर्ब है वो सिंगुलर इस्तेमाल होता है। तो बड़ा शॉर्टेस्ट सा लेक्चर था, इसमें एक बात और आप याद रखें कि जब जेरेंड फ्रेज या क्लॉज ये आती है तो ये हमेशा सिंगुलर होती है, जेरेंड्स फ्रेजेस एंड क्लॉजेस हमेशा जो है वो सिंगुलर होती है। यानी आप देखिएगा रनिंग इज फन, ये रनिंग जो है ये हमारे पास एक गैरेंड है, तो इज फन ये सिंगुलर, ठीक है, थ्रू द ट्रीज, ठीक है, ये फ्रेज है, तो थ्रू द ट्रीज इज डिफिकल्ट वे, ये अब व्हाट आई नीड इज टू बी लव्ड, तो व्हाट आई नीड ये क्लॉज है जिसके अंदर जो हम लोगों को ये चीजें देखने में मिलती हैं। तो स्टूडेंट्स हम लोग बात कर रहे हैं कि कौन सा सब्जेक्ट जो है वो वर्ब सिंगुलर लेता है और कौन सा सब्जेक्ट जो है वो वर्ब प्लूरल लेता है। अब सब्जेक्ट नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। अब इसी कड़ी का जो सेकेंड लेक्चर है, अगले लेक्चर में हम इसके ऊपर बात करेंगे, ये शॉर्ट सा लेक्चर आप सुने, इसके बाद साथ ही दूसरा लेक्चर आएगा जिसके ऊपर जो है उस बात को आगे लेके चलेंगे कि इनडेफिनेट प्रोनाउंस हैं, डिफरेंट प्रोनाउंस हैं, फ्रैक्शंस हैं, ठीक है, इसके अलावा परसेंटेजेस हैं, ये चीजें कैसे इफेक्ट करती हैं वर्ब के ऊपर। थैंक यू वेरी मच, बंडल ऑफ थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग दिस चैनल। आपको उम्मीद है कि कुछ ना कुछ बातें जो है वो जरूर समझ आए होंगी। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।